यूपी के बुलंदशहर में एक अज्ञात सिरफिरे ने चुनाव पर चर्चा के दौरान भाजपा के पक्ष में मतदान ना करने की बात कहने पर दो युवकों के सिर पर बाट से हमला कर दिया, जिससे दोनों लहूलुहान हो गए। इस हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। लहूलुहान अवस्था में खड़ा यह है सिकंदराबाद का रहने वाला दानिश और उसका दोस्त, जिनके सिर से ये खून सिर्फ इसलिए बह रहा है क्योंकि एक सिरफिरे मोदी के दीवाने ने चौराहे पर चुनावी चर्चा के दौरान भाजपा को वोट ना करने की बात कहने पर बाट से इन पर हमला कर दिया। मोदी वोट को देंगे भाई साहब, हम जहाँ हमारा मन करा वहाँ वोट देंगे। उन्होंने लिया अंगूर, हमने भी लिए 10 के, हमने खाए अंगूर, तो बोला भाई साहब वोट कैसे दोगे? बोले भाई साहब जहाँ मन करेगा वहाँ वोट देंगे। तो बोला मोदी को जानी पड़ेगी, जहाँ हमारा मन करेगा वहाँ देंगे। तो बोला ना, अरे जिसमें रहना था मोदी को वोट देनी है इसके विषय में हमारा, बट 2 किलो अंगूर वाले हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की बारीकी से जांच में जुट गई है। सर, सिकंदराबाद कोतवाली के थोड़ी सी दूरी पर एक घटना घटी है जिसमें अपने पसंदीदा दल को लेकर एक युवक ने दो लोगों से कहा कि हमारे पसंदीदा दल को आप वोट करेंगे। पीड़ित के मुताबिक विरोध किया गया तो उसने 2 किलो के बाट से सिर पर हमला कर दिया। क्या कुछ ये पूरी घटना थी और क्या कुछ पुलिस की ओर से इसमें कार्रवाई की गई है अभी तक? अभी तक ये लगभग 10:30 के आसपास की घटना है। ये धनकौर चौराहा पड़ता है, दादरी चौराहा पड़ता है। यहाँ की बात है, कोई सब्जी जो बेचने फल बेचने वाले जो होते हैं ठेले वेले वाले, ये अपना अंगूर की ठेली लगाए हुआ था, वहीं पर कोई युवक से खरीदने आया तो उसने कहा भाई अंगूर से ले रहा हुआ, वहाँ दूसरे और भी आदमी होंगे खरीदारी करने वाले, तो उन्होंने इस बात को लेकर चर्चा थी कि भाई यहाँ वोट देंगे, उन्होंने कहा वोट नहीं देंगे, हम अपने मन से देंगे, इस बात को लेकर उन्होंने विवाद था। इसमें उसने, वो शायद ऐसा सिरफिरा टाइप का आदमी था जिसने उसका उठा कर बाट उसके सिर पर मार दिया था, तो हल्की सी उसके जो है चोट वोट उसके आ गई थोड़ा, उसको जो है पुलिस को सूचना मिली, पुलिस उसको जो है फर्स्ट एड के लिए उसको CHC रवाना कर दिया गया। पता अभी तक चल सका सर कौन है आरोपी? नहीं, इसका पता नहीं, पर लेकिन वो खुद बता रहा था कि कोई साफ शराबी टाइप का, कोई नशेड़ी टाइप का आदमी था जो अपनी बात ही बोलता जा रहा था खाली और किसी की सुन नहीं रहा था, इस बात के लिए विवाद था। फरार आचार संहिता के दौरान इस तरह की खबर सामने आने के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल या निशान उठने लगे हैं। में एक अज्ञात युवक द्वारा भाजपा के पक्ष में मतदान न करने की बात से मना करने पर दो लोगों को लोहे की रॉड से मारकर किया गंभीर रूप से घायल। अज्ञात युवक के खिलाफ सिकंदराबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज। कैमरामैन हारून सेफी के साथ रिजवान अंसारी, CMN न्यूज़, बुलंदशहर।